हेलो दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और आप सबको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी ने जस्ट अभी अभी दो नए नोटिस जारी किए हैं। तो आप सबको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी अब काफ़ी एक्टिव हो चुका है और लगातार ही नए नोटिसेस जो है वो जारी हो रहे हैं। हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है। तो ये सब जो है, आप सब जो इतने जागरूक है, इसी का नतीजा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो ये नोटिस है आज का, वो इसमें क्या कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि इसी तरह के अपडेट्स के लिए यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है। तो आप सब चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज जो है यूपी ट्रिपल एससी ने क्या नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, दो नए नोटिस जारी हुए हैं, ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इस दोनों लिंक को पे क्लिक करके और देख लेते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो जो पहला नोटिस है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 30 अप्रैल की ये डेट है। तो ये जो नोटिस है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा जनपद लखनऊ में 10 से 12 को आयोजित की जाएगी, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और इससे जो संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र दिनांक 30/4 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है ANM का, वो जारी हो चुका है। आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप सबको ध्यान रखना है, जितने भी ANM वाले अभ्यर्थी हैं, शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। तो ये नोटिस जो है कल यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया था। मैंने आप सबको इससे अवगत भी कराया था कि जो ANM का आपका एडमिट कार्ड है, उसको डाउनलोड करने के लिए कुछ फीस रखा गया है। जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है और SC ST के लिए अलग है। तो आप लोग जो है अपना फीस यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। तो ये है ANM के एडमिट कार्ड से रिलेटेड न्यूज़। अब हम अगला जो नोटिस है, जो अगला जो दो लिंक एक्टिवेट हुआ है, उसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो जो दूसरा नोटिस है वो है, आपको बता दें, ये दूसरा वाला जो नोटिस है, चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये जो दूसरा नोटिस है इसमें कहा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, आयोग के विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 सम्मिलित अवर अभियंता एवं वास्तुविद समान चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के लिए जो है यहाँ पर ये आपका रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया है। आप ये देख सकते हैं, संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के आप लोगों का अनुरार्थ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जो है इसका आपका रिवाइज्ड आंसर की, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से दो नोटिस, नए नोटिस जारी हुए हैं, जो कि आप लोगों को जिसके बारे में बताना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।